एक बार मैं फिर आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू वर्जन हैकर में। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जिसमें से हमने दो टाइप प्रोटोकॉल्स देखा था, TCP एंड UDP। हमने देखा था कि TCP थ्री वे हैंडशेक करके कनेक्शन बनाता है, एंड थ्री वे हैंडशेक करने के लिए वो कुछ फ्लैग्स का यूज करता है, एंड उसके टोटल फ्लैग्स 6 फ्लैग्स हैं, है ना। आज हम उन्हीं 6 फ्लैग्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गाइड चेक आउट, क्योंकि उस वीडियो के बिना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस। ओके, सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो इन फ्लैग्स को देखने के लिए आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो टूल का नाम है वायर शार्क, ठीक है। उससे पहले आपको ये वायर शार्क विंडोज में इंस्टॉल कर सकते हो, आप आपके पास अगर विंडोज है, एंड अगर आपके पास काली है तो डेफिनेटली काली में प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, ठीक है। और अगर आपने काली इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आने वाली वीडियोस में मैं काली का इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बताऊंगा, कैसे आप इजीली काली को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपने काली पे आ जाएंगे, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी अपने काली पे हूँ, काली मशीन पे। एंड काली मशीन पे जैसे ही आप साइड पे देखोगे, यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है काली का, एंड इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे इसका मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। मेन्यू में आते ही हमारे टूल को हम सर्च करेंगे जिसका नाम है वायर शार्क, ठीक। वायर शार्क पे क्लिक करना है, ठीक है। वायर शार्क पे क्लिक करके यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद ये इंटरफेस कुछ ऐसे दिखेगा इसका, ठीक है। अब इंटरफेस जब ऐसे दिखेगा तो यहाँ पे आपको कुछ नेटवर्क्स पूछ रहा है कि किस नेटवर्क का आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग करनी है। अब वायर शार्क एक्चुअल में है क्या, ये टूल काम क्या करता है, तो गाइस इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड ये काम क्या करता है ये भी बहुत बड़ा खुद में टॉपिक है। सो सीधा सा समझो आप, सिंपल सी समरी है इसकी कि आपके आसपास नेटवर्क में जितने भी ट्रैफिक्स है उसको एनालाइज करता है ये वायर शार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जिस नेटवर्क की ट्रैफिक को एनालाइज करना है, यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है उस पर। तो मैं यहाँ पे अपने नेटवर्क को चेक करूँगा कि मैं किस नेटवर्क के हूँ, एक्चुअल में मेरे नेटवर्क का इंटरफेस क्या है। तो मैं यहाँ पे IF कॉन्फिग लिखूंगा, IF कॉन्फिग लिख के एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ETS 0 दिखा रहा है, ये मेरा नेटवर्क का इंटरफेस है, ठीक है। ये चीजें आने वाले सेशंस में बताऊंगा, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ETS 0 पे डबल क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अभी ये ब्लैंक है, ठीक है, लेकिन देखो जैसे ही मैं वायर शार्क को ओपन करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आने लगेंगे, ये देखो आने लगे। अब यहाँ पे दो दो ओपन हो गए, ये देखो बैकएंड में बहुत सारे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आने लगे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये ब्राउजर है, ब्राउजर भी एक तरह का नेटवर्क स्टेब्लिश करता है, कनेक्शन बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिटेल्स आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्राउजर कनेक्ट हुआ अपने नेटवर्क से, एंड कनेक्ट होते ही अपने कुछ सर्वर से कनेक्ट किया होगा उसने, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब गाइस ध्यान देना यहाँ पे, ये आप लोगों को यहाँ पे एक ARP नाम दिख रहा होगा, ये हमने पढ़ा था जब हम राउटर कैसे वर्क करता है वो वाले वीडियो में हमने देखा था ARP का। तो आप यहाँ पे लाइव देख लो ARP क्या पूछता है एंड कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो ARP ने किसी को रिक्वेस्ट भेजी है ये पूछने के लिए कि 133 जो IP है वो किसके पास है ना। एंड ये राउटर की IP बता रहा है .2, ठीक है गाइस। ये .2 इसलिए है क्योंकि ये VMware की IP। अब मैं बताऊंगा क्यों ये .2 ले रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे देखा था कि राउटर की जो IP होती है वो .1 होती है, पर यहाँ पे .2 दिखा रहा है क्योंकि ये VMware की IP है, वर्चुअल राउटर सपोर्ट की IP है, ठीक है। तो जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे VMware में तब मैं आप सभी को समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हु हैज, ये IP पूछ रहा है किसके पास है ना ARP। अब इसको रिप्लाई भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4219 समथिंग इज एट 00 समथिंग ARP ने इसको कुछ रिप्लाई आया है, तो ऐसे रिप्लाई आया है, ठीक है। ओके, सो अब हम आज का फ्लैग्स देखते हैं, ठीक है। ARP आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने ब्राउजर ओपन किया ना, तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आई, लेकिन देखो सबसे पहले पहला पैकेट कौन सा गया,
जो मैंने कहा था, सबसे पहले पैकेट सिंग फ्लैग जाता है हैंडशेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हैंडशेक करने के लिए सिंग फ्लैग गया है। ठीक है, आई होप आप सभी को यह विजुअल होगा अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, ये सिंग फ्लैग जब गया है यहाँ पे, तो गया कैसे है, थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। देखो यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, तो टाइम में बता रहा है कि किसको कितना टाइम लगा, कितने देर में पैकेट पहुंचा है। ठीक है, एंड यहाँ पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन बता रहा है कि सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, कहाँ से गया है एंड कहाँ पे गया है, ये दोनों चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो, एंड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, ये लेंथ है पैकेट की। ठीक है, जो रिक्वेस्ट गई है उसमें कितनी लाइन्स है, उसकी लेंथ कितनी थी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें पहले तो सोर्स दिखा रहा है, ठीक है, सोर्स आईपी जो कि ये हमारी आईपी है। अब ये मुझे कैसे पता ये हमारी आईपी है, तो मैंने अभी यहाँ पे नेटवर्क का एडेप्टर चेक करते वक्त, नेटवर्क इंटरफेस चेक करते वक्त मैंने देखा था IF कॉन्फिग। ठीक है, यहाँ पे देखो 66133, ठीक है, ये आईपी दिख रही होगी आप सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 33166 लास्ट में पेयर में देखो, ये हमारे सिस्टम की आईपी है यानी सोर्स, एंड ये राउटर की आईपी है .2। ठीक है, क्योंकि ये वीएमवेयर की है इसलिए यहाँ पे .2 आ रहा है, .1 नहीं आ रहा है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मेन राउटर में .1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 192.168.33 हमारी राउटर हो गई एंड .66 राउटर की आईपी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो सिंग फ्लैग गया है तो कहाँ से गया है, हमारे राउट हमारे सिस्टम ने भेजा है। ठीक है, किसको, इस आईपी पे। अभी आईपी किसकी है हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गया है। ठीक है, फिर सामने से भी रिप्लाई आया है सिंग प्लस एसी के। पहले सिंग फ्लैग गया, सामने से रिप्लाई आया सिंग प्लस एसी के। ठीक है, सामने वाले आईपी से, ठीक है, रिप्लाई आया सिंग प्लस एसी के। अब यहाँ पे देखो, जब हमारे यहाँ से रिप्लाई गया इस आईपी पे, तो हमारा आईपी सोर्स था एंड यहाँ पे डेस्टिनेशन हो गया, एंड जब यहाँ से रिप्लाई आया तो ये सोर्स हो गया एंड ये डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन क्या है एंड कैसे वर्क कर रहा है, एंड ये दोनों फ्लैग भी समझ में आ गए होंगे। तो ये देखो यहाँ पे सामने से सिंक प्लस एसी के आया, क्योंकि इनको कनेक्शन बनाना था, है ना, तो ये दो फ्लैग हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से कुछ एसी के, ठीक है, पैकेट भेजा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश हुए हैं, 61 IP, ठीक है, बहुत सारे। तो ये ऑलरेडी हमने जब ब्राउजर खोला तो ये स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, लाइव प्रैक्टिकल करके देखना है कि सिंक फ्लैग एसी के फ्लैग कैसे हैं एंड क्या वर्क कर रहे हैं एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम, यहाँ पे आप लोग फोकस रखना। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, बहुत सारे चेंजेस होते हैं इसमें, तो इसको मैं सबसे नीचे ले आता हूँ। ठीक है, सबसे नीचे आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, देखो यहाँ पे पैकेट जाना स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी, एंड HTTP से आई थिंक सर्च में कुछ ये कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है बता रहा है HTTP से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गूगल लिखूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने ब्लू मार्क कर रखा है, तो देखते हैं अगर वो रहा तो हम देख पाएंगे, नहीं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से पैकेट ऊपर चला गया है। अब मैं ढूंढता हूँ जो मैंने वहाँ पे ब्लू मार्क कर रखा था उसको, आई थिंक वो बहुत ये रहा। ठीक, ये ब्लू मार्क मैंने कर रखा था, आई थिंक, ठीक है, घूम गया, छोड़ो। तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये पहले इन लोगों ने अपना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया हैंडशेक का। यहाँ पे पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला क्या गया, ऊपर में जो प्रोसीजर फॉलो हुई वो इनक्रिप्शन, सारी कीज एक्सचेंज हुई, कि ये क्या होती है मैं आगे चल के बताऊंगा आप लोगों को। ये सारी प्रोसीजर फॉलो होने के बाद देखो सबसे पहले हमारे सिस्टम से गया सिंक फ्लैग। ठीक है, अब सिंक फ्लैग जाने के बाद इनका कुछ फिर से प्रोसीजर हुआ। ठीक है, प्रोसीजर होने के बाद यहाँ पे देखो एसी के फ्लैग आया किसी चीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे सामने वाले सिस्टम से देखो, सामने वाले सिस्टम से, सामने वाले आईपी से सिंक प्लस एसी के फ्लैग आया। ठीक है,
फिर हमारे सिस्टम ने एसी के फ्लैग भेजा, देन कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, इतना प्रोसीजर हुआ स्टार्टिंग में। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पे इनका प्रॉपर प्रोसीजर वही फॉलो हुआ। यहाँ पे देखो एआरपी फिर से रिक्वेस्ट पैकेट आया है, थोड़ी देर में आता रहता है ये, थोड़ी थोड़ी देर में हर जगह आता रहता है। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ और फ्लैग दिखाने, ये देखो यहाँ पे फिन फ्लैग फिनिश, कुछ कनेक्शन फिनिश करने की रिक्वेस्ट आई होगी, तो यहाँ पे देखो फिनिश, हम अभी बहुत देर से वहाँ पे गए नहीं है। ठीक है, गूगल में तो हो सकता है कनेक्शन फिनिश करने की रिक्वेस्ट आई है, तो यहाँ पे देखो फिनिश एसी के फिन फ्लैग भी यूज हुआ है यहाँ पे फिनिश करने के लिए कनेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे एक और फ्लैग दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जो कि है आरएसटी रिसेट। ठीक है, आरएसटी फ्लैग बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को दिख जाए। ओके गाइस, तो ये है देखो आरएसटी रिसेट फ्लैग। एक्चुअल में ये किस में यूज हो रहा है, देखो कोई सिस्टम की हर्डल आई होगी, कोई सिस्टम में कनेक्शन इशू होगा, तो यहाँ पे आरएसटी फ्लैग गया है कनेक्शन को रिसेट करने के लिए। ठीक है, आप रेड कलर में देख पा रहे होंगे आरएसटी फ्लैग। ठीक है, तो हमने फिन फ्लैग देख लिया, एसी के फ्लैग देख लिया है ना, सिंग फ्लैग देख लिया, एंड आरएसटी फ्लैग भी देख लिया। तो यहाँ पे आप लोगों को यूआरजी फ्लैग देखने के लिए नहीं मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे यूआरजी फ्लैग बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे यूआरजी फ्लैग दे ही देख पाओगे आप लोग। ठीक है, तो जितने फ्लैग्स हम देख सकते थे वो हमने डेफिनेटली यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो ऐसे ही वर्क करता है पूरा नेटवर्किंग। देखो यहाँ पे सारे फ्लैग्स गए हैं। ठीक है, अभी मैं देखो यहाँ पे ना कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कनेक्शन तोड़ता हूँ। अभी भी यहाँ पे देखो एआरपी की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जा ही रहे हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स जा रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है। यहाँ पे मैं यहाँ पे गूगल बंद करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे अनरीचेबल कनेक्शन आया, एंड यहाँ पे फिन फ्लैग गया आई थिंक। ठीक है, डायरेक्टली हमने ब्राउजर ही बंद कर दिया, तो अनरीचेबल कनेक्शन बता दिया उसने। ठीक है, तो ब्राउजर बंद हो गया, इसलिए यहाँ पे फिन फ्लैग आया नहीं। ठीक है, एक बार फिर से करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले कनेक्शन का रिसेट कर लिया उसने, कुछ इश्यू था पहले कनेक्ट करते वक्त, इश्यू हुआ तो कनेक्टर रिसेट कर लिया। फिर यहाँ पे एक्नोलॉजमेंट, एक्नोलॉजमेंट किसी पहले का जो बच्चा होगा, हो सकता है वो आया हो। सबसे पहले देखो सिंक फ्लैग गया, फिर सिंक फ्लैग एसी के आया। ठीक है, एंड उसके बाद बाकी की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे भी आरएसटी फ्लैग यूज़ हुआ है, तो ये कुछ कॉमन फ्लैग्स हैं जो कि जनरली यूज़ होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और टैब खोलता हूँ, एंड यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, google.com। ठीक है, एंड एंटर प्रेस करता हूँ, एंड मैं इसको सबसे नीचे लेके गया हूँ अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिन एसी के कुछ कनेक्शन, हम भी हमने ब्राउज़र ओपन नहीं किया तो उसका भी आया है। मैं यहाँ पे देखो कनेक्शन तोड़ता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे कुछ गए हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे फिन फ्लैग आ जाना चाहिए था, थोड़ा सा वेट करते हैं। कीप एक्टिव एसी के बंद हो रहा है वो। ठीक है, फिनिश फ्लैग यहाँ पे नहीं भेजा है आई थिंक। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे फिनिश फ्लैग नहीं दिख रहा है, हो सकता है कैप्चरिंग ना हो ये हो, बट यहाँ पे जैसे ही हम कनेक्शन डिसेबल करते हैं, कनेक्शन बंद करते हैं, तो देखो ऐसे फिनिश फ्लैग आते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी ऊपर देखा है ये फिन पुश एसी के। अब ये फिन पुश एसी के एक साथ क्यों, तो देखो यहाँ पे फिन एसी के एक साथ, ठीक है, पहले फिन एसी के जाएगा, फिर फिन एसी के, फिन पुश एसी के क्यों गया, पीएसएस फ्लैग क्यों यूज हुआ यहाँ पे पुश फ्लैग। तो जैसे ही यहाँ पे फिन फ्लैग गया, ठीक है, समझ में आ गया इसको कि कनेक्शन तोड़ना है। ठीक है, बट बीच में कुछ डेटा रह ना जाए, इसलिए यहाँ पे पुश फ्लैग का भी यूज हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद एसी के फ्लैग जो कि एक्नॉलेजमेंट देगा। ठीक है, तो ऐसे जब कनेक्शन टूटता है ना, तो ऐसे फ्लैग्स आते हैं। देखते हैं नीचे कुछ फिन फ्लैग्स अभी आए हैं नहीं, तो यहाँ पे मैं ब्राउजर क्लोज करके देखूँ, तो देखो अच्छा अभी आया, देखो ये आया। जैसे मैंने ब्राउजर क्लोज किया, तो यहाँ पे देखो किसी दूसरे आईपी से ऐसे फिन फ्लैग आया, क्योंकि सारे कनेक्शन बंद हो रहे थे, कुछ फ्लैग एसी के फ्लैग एक साथ आए। ठीक
ठीक है, बहुत सारे एक साथ आ गए। ओके सो गाइस, ऐसे वर्क करते हैं हमारे फिन फ्लैग, ठीक है, या फिर सारे फ्लैग्स, जो भी जितने भी फ्लैग्स हैं वो सारे। अब यूआरजी फ्लैग यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, यूआरजी फ्लैग बहुत रेयरली देखने के मिलेगा, अर्जेंट फ्लैग। सो आई होप गाइस आज के प्रैक्टिकल आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आया क्या वर्किंग होती है फिन फ्लैग की, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी अपना नॉलेज अपग्रेड कर सके। सो गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।